हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 50% डीए के बाद आपकी पेंशन सिपाही एक्स ग्रुप की कितनी बनेगी, और जुलाई में 53 डीए होने के बाद, डीआर होने के बाद आपकी यहां पर जो पेंशन है वो कितनी बनेगी। इसमें एफएमए लगा के टोटल बताया है और बिना एफएमए के यहां पर ये यहां पर निकल के आई है। तो इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपको इसमें से तीन जानकारी मिलेंगी। पहले तो आप लोग अपना जो बेसिक आपको मिल रहा है, एक्स ग्रुप वालों को, सिपाही हैं एक्स ग्रुप के हैं, उनको जो भी यहाँ पर बेसिक मिल रहा है क्या वह सही मिल रहा है, आपको प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ। मैंने ये टेबल नंबर जो 7 है OROP की, उससे ये पूरा डाटा लिया है, आप लोग देख सकते हो, मिलान कर सकते हो। किसी को डाउट है तो आप लोग मेरे से ये OROP 2 की आप लोग टेबल ले सकते हो, व्हाट्सएप पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ग्रुप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पर ज्वाइन हो जाइए और मैं आपको वहां पर इस पूरी लिस्ट को आपको सेंड कर दूंगा, आप मैच कर लेना। आपको अगर किसी को डाउट है तो जितना भी क्वालिफाइंग सर्विस है बाई ग्रुप वाले, जो एक्स ग्रुप वालों की, वो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर बता के दी है 28 साल तक। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बनाने में, डाटा को कैलकुलेशन करने में बहुत सारी मेहनत करनी होती है, तो आप लोग इसका एक लाइक कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो आपको देखिए, बेसिक मैंने यहाँ दिया है, क्वालिफाइंग जो सर्विस है वो यहाँ दी है। जनवरी में अगर 50% डीए होता है तो उसका, इसका 50% कितना निकल के आता है, फिर टोटल पेंशन कितनी बनती है। जुलाई में 53 होता है तो इसका हमें 3% निकालना है, तो इसका जो 3% है वो ये निकल के आ गया। फिर एफएमए अगर मिल रहा है 1000, तो एफएमए प्लस ये 3% डीए और प्लस ये आपका 50% वाला, इसका जोड़ कर दिया मैंने, तो ये तीनों मिला के यहाँ पर कितने टोटल पेंशन बनता है। अगर एफएमए नहीं मिलता है तो इसके आगे डाटा है कि आपको अगर नहीं मिल रहा है एफएमए तो आपकी जो एक्चुअल है वो फिर इसमें से 1000 माइनस कर देना। आप वीडियो अंत तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने सारी क्वालिफाइंग सर्विस, सब टोटल क्वालिफाइंग सर्विस का डाटा तैयार किया है। जो इसमें समान रंग है वो रंग इंडिकेट करता है कि आपकी समान पे है, जैसे कि ये येलो कलर समान है, तो 1 साल से लेकर 3 साल तक 15,600 समान पेमेंट रहा है। उसका अगर हम 50% जनवरी में निकालते हैं तो 7800 बनता है। अगर उसका पेंशन हम लोग निकालते हैं तो 23,400 बनता है 50% डीए के साथ। जुलाई में अगर 3% और निकालें तो 702 बनता है। उसका टोटल एफएमए के साथ 25,102 बनता है और बिना एफएमए के 24,102 बनता है। इसके बाद में ये एक जो है 3.5 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है, जो 15,950 है, इसका 23,925 बनता है, 718 3% आता है, टोटल 25,643 आती है। इसके बाद में ये 4 और 4.5 का सेम है, मतलब जो टोटल है वो 24,975 आएगा 50% होने पर, और 53% होने पर 26,724 आएगा। ये फिर थोड़ी 1, 2, 3 ये अलग दी है, 5, 5.5 साल और 6 साल वाली, 16,938 का बनेगा 25,407, और जुलाई में यहां पर 762 बनेगा तो 27,169, 17,225 का पेंशन बनेगा 25,838, 775 3%, फिर 27,613, ये 6 साल का 27,313, और इसके बाद में इनका जो पेंशन है 25,970, और इसके बाद में यहाँ पर 27,449 बनेगा टोटल 53% के साथ। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं 6.5 साल से लेके और 8 साल तक एक है 17,657 का 50% 8,869, इसको हम जोड़ते हैं तो 26,486 रुपये बनता है 50% आपका। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ पेंशन, टोटल पेंशन लिख देता हूँ, टोटल पेंशन थोड़ा सा सही रहेगा। ये टोटल पेंशन है, मतलब 50% मिला के यहाँ पर जो टोटल पेंशन है वो कितनी बनती है, तो वो आपकी बनती है यहाँ पर 50% के बाद 26,486, और 53 के बाद यहाँ पर 28,280। अगर एफएमए नहीं मिल रहा है तो 27,280, 1,000 घटाना है, 8.5 साल की थोड़ी अलग है, 18,257 और पेंशन बनती है 27,386 और 29,207 53 के बाद। फिर ये एक 9 साल वाला अलग हो गया 18,425,
पेंशन बन जाती है 27,638 और 29,467 बन जाता है इनका आपका आगे वाला जो 53 वाला है बेसिक। इसके बाद में फ्रेंड्स 9.5 साल से लेके 10.5 साल तक 19,275 है, 28,953 बनता है 50% होने के बाद, 53 के बाद 30,780 बनता है अगर एफएम में मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो 29,780 बनना है। अब इसमें आपको एफएम में मिल रहा है तो इसमें भी 1,000 आपको जोड़ देना है, इसमें आपको 1,000 जोड़ देना है। अगर आपको एफएम मिल रहा है तो इसमें भी यहां पर भी 29,913 बनेंगे फिर। इसके बाद में जो 11 से लेकर 12 तक का बेसिक सेम है 19,613, तो 19,613 में अगर 50% निकालते हैं तो 9,860 बनता है, 7 बनता है और टोटल बनता है 29,420 इन दोनों को जोड़ के 50। अगर इसका हम लोग 53 के बाद में जानते हैं तो 31,302 है और वैसे विदाउट एफएमए के 30,302। अब आते हैं यहाँ पर 12.5 से 13 दो जी सेम है 19,725 का डाटा है और इनका 50% होने के बाद बीए बनता है 29,588, 3% 888 एफएमए के बाद में 31,475 और 13.5 से 14 साल का बराबर है तो इनका बनता है यहाँ पर 19,838, पेंशन बनती है 29,757, 53% होने के बाद 31,650, 14.5 साल का एक अलग है 19,950 है, इसके बाद में इनका पेंशन बनती है 29,925 और 53 के बाद में बनती है 32,838। ये 15 साल से लेके और आपका 19.5 साल तक का देखो बराबर है 20,607, 20,607, 20,607 तो 15 साल से लेके और 19.5 साल तक का डाटा है 20,607 बेसिक है जो, उसका 50% 10,304 और इसमें आपका ये टोटल पेंशन है 30,911 और इसका 3% है 927 और 32,838 इनका बनता है 53 होने के बाद। इसके बाद में आप लोग देख रहे हैं 20 साल का 20,813 है, 50% 10,407 है और पेंशन बनती है 31,220 और टोटल पेंशन बनती है 53 होने के बाद 33,156। 20.5 साल वालों का भी अलग है 21,559 है, टोटल पेंशन बनती है 32,354 और जुलाई में 3% होने के बाद 34,324 बनती है। अब इस वीडियो से आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि देखो ये यहां से लेके आप देखिए ये टोटल आपका यहां तक आपने देखा टोटल आपका यहां तक ये सेम है बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं ये डाटा देख रहे हैं 20.5 साल से लेके और 28 साल तक 21,569 बेसिक है, इसका 50% 10,785 बनता है, पेंशन इसको जोड़ के मिलती है 32,354 और जुलाई में 53 होने के बाद इसमें 971 का और इजाफा होगा, 1,000 एफए में जोड़ देंगे तो 34,324 रुपए और विदाउट मेडिकल अलाउंस के 33,324 रुपए बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने इस वीडियो में आपको एक्स ग्रुप का बताया है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें यहां पर मैं बाई ग्रुप का डाटा लेके आऊंगा पूरा और सिपाही सर का लेके आऊंगा, ऐसे ही यहां पर फिर नए जो भी ये नायक हैं सूबेदार हैं हवलदार साहब हैं सूबेदार मेजर साहब हैं तो उन सबका मैं डाटा अलग अलग लेके आऊंगा, नायक टीएस हैं उनका सबका डाटा यहां पर वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आपका। तो आपको अपनी अगर जानी है तो आप कमेंट में अपना ग्रुप छोड़ दीजिए तो मैं आपको आपके ग्रुप की यहां पर जो टोटल 50 और 53 होने के बाद में पेंशन मिलेगी आपको उसको बता दूंगा और जो बेसिक अभी वर्तमान में चल रहा होगा उसको बता दूंगा। अब इस वीडियो कॉन्क्लूजन आपको बता देता हूं, इसका सारांश बता देता हूं, समरी बता देता हूं कि यहां आपको 3 चीजें देखने को मिली हैं। इसमें आप लोग बेसिक चेक कर सकते हैं कि जो हमें
अभी वर्तमान में पेंशन का बेसिक जो आ रहा है हमारे स्पर्श में लिख के जो लेवल आ रही है वो सही आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप लोग सीपीग्राम अपडेट करिए, और सीपीग्राम के लिए बता देता हूं आपको मैं कि सीपीग्राम कैसे अपडेट करते हैं और उसके लिए लेटर कैसे लिखा जाता है। देखिए, आपका अगर कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी पेंशन से संबंधित है, कोई एरियर से संबंधित है, कोई सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बेझिझक होकर पूछ सकते हो। देखिए, यहां पर रेस्पेक्टफुली सर, आई एम आर्मी वेटरन्स या जो भी वेटरन्स हैं आप, नॉन रिसीप्ट ऑफ द एरियर और पीसीडी है, ऐसे ही यहां पर आप लोग जो इसमें मैंने यहां 568 का बनाया है ये डी लिंक का, आप इसमें जो आपकी सब्जेक्ट है आप वो सब्जेक्ट यहां डाल के अपना बना सकते हो। ये जो डाटा रहेगा वो सेम रहेगा और आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। जो भी बैंक है वो अपनी डालनी है, इसमें मैंने अपनी डाली है, आप अपनी आईडी डालेंगे, रैंक डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, जो कुछ भी है वो आप लोग कब से लेके कब डिस्चार्ज हुए वो सब आपने अपना डालना है, मैंने यहां पर अपना डाला है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर ये सीपी ग्राम में अपना जो भी है ग्रेवेंस अपडेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई चीज किसी भी आर्टिकल की, किसी भी फोरम की, किसी भी सर्कुलर की जरूरत है तो आप लोग वहां से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे फिर अगली वीडियो में सिपाही सर की बाई ग्रुप की लेके वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।